न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, हरिशेना कंपोज्ड ए प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हरिशेण ने एक प्रशस्ति तैयार की किसकी प्रेज करते हुए, किसकी तारीफ करते हुए, गौतमी पुत्र श्री शातकर्णी की। तो यह है फॉल्स, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हरिशेण ने प्रशस्ति तो तैयार की थी, लेकिन किसकी तैयार की थी? समुद्रगुप्त की। हरिशेण जो है वो समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट था। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूलर्स ऑफ आर्यव्रता ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता जिसे इंडिया का, भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, बहुत महान राजा था गुप्त वंश का। तो समुद्रगुप्ता, उसको आर्यव्रत के जो हैं जो रूलर्स हैं वो उसके लिए ट्रिब्यूट्स लाते थे, तोहफे लाते थे। नहीं, ये गलत है। आर्यव्रत पे तो उसने डायरेक्ट कंट्रोल करके रखा था, वो उसके ही अंडर में था। तो रूलर्स ऑफ आर्यव्रता ब्रोट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्ता, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिणपथा। बिल्कुल, दक्षिणपथ के 12 राजा जो थे, समुद्रगुप्त ने उनको हरा दिया था, लेकिन वापस से उनको रूल करने की परमिशन दे दी थी। ठीक है कि भाई तुम यहाँ पे रूलिंग करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बात ट्रू है, दक्षिणपथा में 12 राजा थे। राइट, नेक्स्ट, टैक्सिला एंड मदुरई वर इम्पोर्टेंट सेंटर अंडर द कंट्रोल ऑफ गुप्ता रूलर्स। भाई एक तो तक्षशिला और एक मदुरई, ये इंपॉर्टेंट सेंटर थे किसके अंडर में? गुप्ता रूलर्स के अंडर में। तो ये बात है गलत। क्यों गलत है? ये फॉल्स है, क्योंकि उनके गुप्ता रूलर के अंडर में जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे वो कौन से थे? वो प्रयाग था, उज्जैन था, पाटलिपुत्र था, ये थे। तो मदुरई कहाँ? दक्षिण में, है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं था। तो टैक्सिला और मदुरई नहीं थे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एहोल वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास। एहोल जो थी वो पल्लवों की कैपिटल थी। फॉल्स, गलत है। क्यों? क्योंकि एहोल जो थी वो चालुक्य राजाओं की कैपिटल थी। राइट, ये है बात। नेक्स्ट, लोकल असेंबलीज फंक्शनड फॉर सेवरल सेंचुरीज इन साउथ इंडिया। ये ट्रू है, लोकल असेंबलीज जो होती थी साउथ इंडिया में वो कई सेंचुरीज से जो है साउथ इंडिया में काम करती आ रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन संभालती आ रही थी। तो ये सही है, ये बात ट्रू है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मेंशन थ्री ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धना। उन तीन लेखकों के, उन तीन ऑथर्स के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। देखते हैं, पहला है बाणभट्टा। तो बाणभट्ट कौन था? बाणभट्ट तो हर्षवर्धन का कोर्ट पोएट था, तो वो अपने राजा के बारे में तो लिखेगा, है ना। तो बाणभट्टा ने हर्षवर्धना के बारे में लिखा है। उसके बाद ह्यूनजेंग। ह्यूनजेंग जो है ये एक चाइनीज पिलग्रिम था, है ना, एक तीर्थयात्री था, बुद्ध धर्म के बारे में और जानने के लिए, ठीक है, ये यहाँ पे इंडिया में इसने जर्नी की थी। तो ह्यूनजेंग ने भी हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। क्यों? ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था इंडिया में, ठीक है। तो बाणभट्ट ने लिखा जो उसका कोर्ट पोएट था हर्षवर्धन का, ह्यूनजेंग ने लिखा, ह्यूनजेंग जो चाइनीज पिलग्रिम था हर्षवर्धन के टाइम में आया था उसने लिखा, और रवि कीर्ति ने लिखा। ये रवि कीर्ति कौन था? ये रवि कीर्ति था कोर्ट पोएट। किसका कोर्ट पोएट? ये था पुलकेसिन द टू का, और पुलकेसिन द टू ने नर्मदा रिवर के पास किसको हराया था? इसको हर्षवर्धना को हराया था। तो रवि कीर्ति जो कि कोर्ट पोएट था, किसका? पुलकेसिन द टू का। उसने एक स्टेटमेंट उस टाइम बोली थी, एक स्टेटमेंट दी थी उसने, क्या थी वो? कि भाई हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, है ना, हर्ष जो है वो अब हर्ष नहीं है, यानी कि हर्ष का मतलब खुश होना होता है, तो हर्ष अब खुश नहीं है क्योंकि पुलकेसिन द टू ने उसको हरा दिया ना, इसलिए। तो हर्षवर्धन के बारे में किसने लिखा? तीन लोगों ने लिखा, बाणभट्टा ने लिखा, ह्यूनजेंग ने लिखा और रवि कीर्ति ने लिखा। नेक्स्ट, व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम। ये जो वक्त है ना, जिस टाइम की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, यानी कि गुप्ता रूलर्स, है ना, फिर हर्षवर्धन आया, तो आफ्टर गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के दौरान और उसके बाद आप क्या पाते हैं, उस टाइम की जो आर्मी थी उसमें क्या बदलाव आ गए थे, तो वो चेंजेस आपने बताने हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो पहला तो है, द चेंजेस विच वी फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम आर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री लीडर्स कॉल्ड सामंतास। सामंता सिस्टम जो है वो शुरू हो गया था इस टाइम पे, सामंता सिस्टम,
अब ये सामंताज कौन होते थे? ये अपने अपने अलग अलग एरियाज में पावरफुल लोग होते थे, इनके पास जमीनें होती थी, इनके पास जो है सेना होती थी, और ये राजा को वॉर टाइम पे सपोर्ट किया करते थे। बदले में राजा इनको टाइटल्स देता था, अपने कोर्ट में आने की परमिशन देता था, ठीक है ना, वो इनको मिनिस्ट्रीज देता था। तो ये सामंताज एक तरह के सबॉर्डिनेटर होते थे राजा के, राजा को हेल्प करते थे रूलिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। तो ये थे सामंता। तो ये सामंता सिस्टम जो है ये शुरू हो गया, ये सामंत राजा को आर्मी प्रोवाइड करने लग गए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। हु प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स वेन एवर ही नीडेड, है ना, तो जब भी जरूरत पड़ती वो उसको फौज देते अपनी। ये हो गई बात। अगला पॉइंट है, देवर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। ये जो सामंत थे ना, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती थी। क्या दिया जाता था इनको? राजा लैंड ग्रांट्स देता था, जमीनें दिया करता था, ठीक है। तो इनके पास होती थी जमीनें, उन जमीनों से क्या करते थे, तीसरा पॉइंट देखो, वहां से वे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। उसमें से कुछ हिस्सा कभी राजा को देते और ज़्यादातर हिस्सा अपने पास रख के और अपनी आर्मी और अपने रिसोर्सेज को मेंटेन किया करते थे। तो ऐसे चलता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस दौरान एडमिनिस्ट्रेशन में क्या नई चीज़ें आई, क्या नई अरेंजमेंट शुरू हो गई? फर्स्ट पॉइंट देखो, सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी, है ना, जो इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट थी ना वो हेरिडेटरी हो गई, वो वंशानुगत हो गई, यानी कि पिता जिस पोजीशन पे है बेटे को भी वही पोजीशन मिल जाती थी। देखो योग्यता तो होनी चाहिए वरना काम को संभालेगा कैसे, लेकिन वो हेरिडेटरी हो गई थी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल द पोइट हरिशेणा वाज महादंड नायका। महादंड नायक का मतलब क्या होता है? चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो महादंड नायक, और इंग्लिश में अगर कहना चाहो तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर, वो कैसे था? अपने फादर की तरह, यानी कि हरिशेण का पिता भी उसी पोजीशन पे था, महादंड नायक था, और हरिशेण भी उसी पोजीशन पे आ गया बड़ा होकर, है ना। तो वो हेरिडेटरी पोजीशंस बनी, एक तो ये हुआ। नंबर टू में देखो, नंबर टू में है, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसेस। कई बार क्या होता था, एक ही आदमी कई कई ऑफिसेस, कई मिनिस्ट्री, कई इंपॉर्टेंट काम संभाला करता था उस टाइम पे, ठीक है। अब फिर से हरिशेणा का ही एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल क्या है, बिसाइड बींग अ महादंड नायका हरिशेणा वॉज कुमारमात्या। तो देखो हरिशेणा एक तो महादंड नायक था, फिर वो कुमारमात्या भी था, ठीक है, और वो संधि विग्राहक भी था, राइट। तो ये महादंड नायक, एक तो ये जो है जस्टिस करता था, चीफ जुडिशियल ऑफिसर था, है ना, और ये जो है कुमारमात्य थे भी था, मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम, है ना, राजा के बिल्कुल करीब रहने वाला, राजा को सलाहें देने वाला कुमारमात्य था, और संधि विग्रहक भी था। संधि विग्रहक का मतलब क्या होता है भाई? संधि, किसी राजा के साथ संधि करनी है, दोस्ती करनी है, और संधि विग्रह या मतलब किसी से वॉर करनी है, तो संधि विग्रह का भी काम करता था। किसी से दोस्ती करनी किससे करनी है, वॉर किससे करनी है, तो इस तरह की जो विदेश नीति कैसे चलानी है, ये सब चीज़ें वो संभाला करता था। कौन? हरिशेणा। तो हरिशेणा यहाँ पे तीन ऑफिस संभाल रहा है, महादंड नायका, कुमारमात्या, और संधि विग्रह का। आई बात समझ में? ये हुआ। तो कई बार एक ही आदमी कई कई पोजिशंस को भी संभाला करता था, ये दूसरा बदलाव। नेक्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट मैन हैड ए से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम पे एक और क्या चेंज आया एडमिनिस्ट्रेशन में, कि जो इंपॉर्टेंट लोग थे ना शहर में, जो धनवान लोग थे, ठीक है, शहर में जो अच्छी पोजिशंस वाले लोग थे, ठीक है, कैसे लोग, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर, शहर का बैंकर हो गया जो, है ना, मर्चेंट हो गया, ठीक है, सार्थवाहा हो गया, ठीक है, जो कारवांस का लीडर हुआ करता था, ठीक है, उसके बाद जो है प्रथम कुलिक हो गया, चीफ क्राफ्टमैन, कायस्था हो गए, जो स्क्राइब्स वगैरह होते थे, वो सब हेड ऑफ द कायस्थास, वो सब। तो ये जो इम्पोर्टेंट लोग थे ना शहर के अंदर, इनको अब शामिल किया जाने लगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि भाई आप लोग भी अपने विचार रखिए, आप लोग भी अपनी एक मंडली बना के शामिल होइए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये एक बदलाव आया, शहर के इम्पोर्टेंट लोगों को शहर के एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल करने लग गए, ठीक है। एक बार इस आंसर को समाप्त करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस हेरिडिटरी हो गई, एक नंबर दो, एक ही आदमी कई बार कई कई पोजीशंस को संभालता था, और नंबर तीन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे उनको शामिल किया जाने लगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस
देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है. व्हाट डू यू थिंक अरविंद वुड हैव टू डू इफ ही वॉज एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता. भाई आप क्या सोचते हो, आपने चैप्टर जब शुरू किया था तो आपने पढ़ा होगा कि भाई समुद्रगुप्ता जो है उसको एक्टिंग, अरविंद को जो है एक्टिंग करनी है समुद्रगुप्ता की. समुद्रगुप्ता तो जा चुका है ना, तो अरविंद है एक बच्चा है और उसको एक्टिंग करनी है समुद्रगुप्ता की, तो उसको अब क्या एक्ट करना पड़ेगा, उस वो ऐसा स्टेज पे जाके क्या करके दिखाए कि वो लगे कि हाँ भाई वो समुद्रगुप्त की एक्टिंग कर रहा है. तो देखते हैं वो क्या क्या करेगा. फर्स्ट पॉइंट है ही हैड टू सिट ऑन थ्रोन एंड प्ले द वीणा एंड रिसाइट पोएट्री, है ना. तो ये एक्टिविटीज जो समुद्रगुप्त किया करता था उसे वो करके दिखानी पड़ेंगी. सिंहासन पर बैठेगा, थ्रोन पर बैठेगा, है ना, वीणा बजाएगा और पोएट्री कविता गाएगा. समुद्रगुप्त के ऐसे सिक्के हैं ना जहाँ पे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, है ना. तो उसे ये सब करना पड़ेगा, एक बात. दूसरी बात है ही हैड टू शो मार्क्स ऑफ हंड्रेड ऑफ स्कार्स कास्ट बाय बैटल एक्सेस एरोज स्पाइक्स स्पीयर्स बॉडी डार्ट्स स्वॉर्ड्स, है ना. तो ये सब चीज़ें उसे अपने शरीर पर बहुत सारे जख्म दिखाने पड़ेंगे जो बैटल की जो कुल्हाड़ियों से मिले हैं, तीरों से, तलवारों से, भालों से, बर्छों से लग के उसे शरीर पर जो जख्म मिले हैं ना, उनके जो निशान बने रह गए हैं वो उसे दिखाने पड़ेंगे. नहीं नहीं डरो मत, उसे मतलब ये खुद के मार मार के नहीं दिखाने पड़ेंगे, उसे क्या करना पड़ेगा, पेंट वेंट लगा के आर्टिफिशियली उसे ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि वो समुद्रगुप्त जैसा दिखे. तो ये सब चीज़ें उसे अपनी बॉडी पर रिप्रेजेंट करनी होंगी, ये चीज़ हो गई. तीसरा पॉइंट देखो, ही हैड टू टॉक टू हरिशेणा, और उसे मतलब साथ में एक कोर्ट पोएट भी बनाना पड़ेगा हरिशेण, है ना, उसका कोर्ट पोएट था ना हरिशेण, तो साथ में हरिशेण भी दिखाना पड़ेगा और उसे हरिशेण से बात करते हुए दिखाना होगा, है ना. तो जो कि संस्कृत का पोएट था उससे बात करते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा. तो ये सब चीज़ें उसे करनी होंगी अपने आप को मीन से समुद्रगुप्त का रोल प्ले करने के लिए. आई बात समझ में. अगला क्वेश्चन है Do you think ordinary people would have read and understood the prashastis? Give reason for your answer. भाई आप क्या मानते हो आप कि जो साधारण लोग थे, जो ordinary people थे, जो common people थे, क्या वो प्रशस्तीज को समझ पाते थे? तो बताओ. तो common people जो थे ना वो प्रशस्तीज को नहीं समझ पाते थे. कारण प्रशस्तीज जो थी वो संस्कृत में लिखी होती थी और संस्कृत जो पढ़े लिखे लोग थे बस वही जानते थे. तो ऑर्डिनरी पीपल संस्कृत को नहीं समझ पाते थे, है ना. ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ संस्कृत, और उनको संस्कृत की नॉलेज भी नहीं थी. आई बात समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, अब लेट्स डू आ गई, कुछ एक्टिविटीज आपको करनी होंगी. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ यू हैड टू मेक ए जीनोलॉजी फॉर योरसेल्फ, अगर आपको अपने खुद के अपनी वंशावली बनानी पड़े, अपनी जीनोलॉजी बनानी पड़े, सो हु आर द पीपल यू वुड इंक्लूड इन इट, किन लोगों को आप इसमें शामिल करोगे, हाउ मेनी जनरेशन यू वुड लाइक टू शो, कितनी जनरेशन्स आप इसमें दिखाओगे, मेक ए चार्ट एंड फिल इट. तो इसका एक चार्ट बनाओ और उन लोगों के नाम भरो. तो सिंपल सी बात है, इसमें जनरली लोग जो इन में नाम देते हैं जैसे कि ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड मदर हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंडमदर हो गया, मदर फादर हो गया, और आपका अपना नेम. हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपनी काफ़ी एक लंबी वंशावली होती है, तो वो अपनी वो लिस्ट वहाँ पे लिख सकते हैं, राइट. तो ये चीज़ें आप अपने पेरेंट्स से पूछें, पता लगाएं, उनके नाम पूछें, पता लगाएं और अपने नोटबुक में लिखें. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, How do you think wars affect the life of ordinary people today? भाई आप क्या मानते हो कि wars जो होती हैं, लड़ाइयाँ जो होती हैं, वो ordinary people हैं, जो साधारण people हैं, उनकी life पर कैसे असर डालती हैं? बिल्कुल असर डालती हैं. अभी जो पिछले एक साल से आप देख रहे हो कि रशिया यूक्रेन का वार हुआ है, तो उसमें कितनी तबाही हुई है, देखा है ना आपने. तो ये बस यही चीज़ें होती हैं. इट causes tremendous loss of life and property. ये उनकी लाइफ का लॉस करती है, प्रॉपर्टी का लॉस करती है, लोगों के काम धंधे छिन जाते हैं, लोग गरीब हो जाते हैं, है ना. तो पीपल लॉस देयर जॉब्स एंड वर्क्स. अब तो जब लड़ाई होती है तो उनको जान बचाना ही मुश्किल हो जाता है, तो जॉब और वर्क को तो कौन देखेगा उस वक्त,
है ना, तो लोग अपनी जॉब और अपना काम खो देते हैं, दे हैव टू लिव द लाइफ ऑफ रिफ्यूजीज, और कहीं इधर उधर दूसरे एरियाज में जाकर उन्हें एक रिफ्यूजी शरणार्थी का जीवन जीना पड़ता है अपने घर बार छोड़कर, दे बिकेम पुअर और वो गरीब हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से वार्स बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट डालती हैं, बहुत ही खराब असर डालती हैं कॉमन लोगों की लाइफ पर। आई बात समझ में? आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।